माय नेम इज़ सिया और मैं क्रिएटिव जेएसपी से बात कर रही हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और वो है एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग। सो मैंने अमेज़ॉन से रिसेंटली एक एयरपॉड्स लिए थे, सो इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो ले आई हूँ। सो मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगी। और अगर आपको ये एयरपॉड्स बाय करने हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर से जाके बाय कर सकते हो। मैंने अमेज़ॉन की लिंक दी है बाय करने के लिए। सो चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। सो यस गाइस, अनबॉक्सिंग के लिए हम यूज़ करेंगे सिज़र या आप कोई भी कटर यूज़ कर सकते हो अनबॉक्स करने के लिए। तो मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है। ये हैं मेरे एयरपॉड्स। इससे आप सैटिस्फाइंग वॉइस भी कर सकते हो इसके बॉक्स से। बहुत सैटिस्फाइंग है ये। सो और देखते हैं क्या है। और ये हैं कुछ ईयरबड्स और लगाने के, अगर आपको छोटे बड़े साइज़ के चाहिए हो तो। ये देखो, ये अगर बिग स्मॉल आपको जैसे चाहिए हो तो ये दोनों बिग के हैं और ये दोनों स्मॉल के हैं। सो देखो ये कितने अच्छे हैं। सो चलो इसे वापस हम पैकेट में रख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसे इधर रख दिया है पैकेट में। चलो अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं। सो यस गाइस, इसे हम अनबॉक्स करते हैं। इसे मैंने खोला और इधर देखो ये कैसे दिखते हैं। उधर ये लिखा हुआ है और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एयरपॉड्स प्रो वायरलेस चार्जिंग केस है इसका। वायर के बिना ये चार्ज होते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के हैं और ये सब थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस, किधर से डिस्पैच हुआ, किधर मैन्युफैक्चर हुआ, वो सब लिखा है। एंड मुझे ये साइन बहुत पसंद है एप्पल का। और मैं नेक्स्ट कुछ कमिंग वीडियोस में एप्पल के ऊपर भी एक DIY क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। सो उस वीडियो के लिए ज़रूर से वेट करना। और आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं ज़्यादा देर आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगी वो वीडियो आने के लिए। सो यस गाइस, ये देखो ये हमने खोला और यहाँ पे अब एक मैनुअल आया है। इस पर लिखा है डिज़ाइंड इन एप्पल इन डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। सो कैलिफोर्निया में ये डिज़ाइन हुआ है और ये कुछ इसके अंदर से मैनुअल्स निकले हैं ऐसा सब कि ये कैसे कनेक्टिविटी होती है। ऐसा इसका वायरलेस चार्जिंग केस है, इसमें से आप इसे रखोगे तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज वायरलेसली। और ये कुछ मैनुअल्स हैं। सो आपको मैं हमेशा ऐसा ही गाइड करूँगी कि आप हमेशा मैनुअल्स देख के ही वो प्रोडक्ट को यूज़ करें। और मैंने भी मैनुअल्स देख के ही प्रोडक्ट को यूज़ करा है। मैंने मैनुअल्स ऑलरेडी सारे के सारे रीड कर दिए थे। एंड ये मैं इसके अंदर रखूँगी वापस से जैसे ये आया था। सो ये चला गया अंदर, अभी इसको भी साइड में रखते हैं। सो आ गए फाइनली हमारे एयरपॉड्स। सो इधर देखो ये है हमारे एयरपॉड्स। ओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो ये जैसे पिक्चर में दिखाए थे ये देखो बिल्कुल मैच कर रहे हैं एकदम। ये एयरपॉड्स हैं ये दो और इसके पीछे आपको एक ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए कि लेफ़्ट में पहनना है कि राइट में पहनना है, आपको इधर जो एयरपॉड है उसके ऊपर इधर देखो आपको लिखा हुआ आएगा छोटा सा, इधर R लिखा है, मतलब राइट ईयर में पहनना है आपको। एंड इसके इधर L लिखा होगा, मतलब आपको लेफ़्ट ईयर में पहनना है। सो इसे मैं रिस्पेक्टिव जगह पे रख दूँगी और अगर आप रिस्पेक्टिव जगह पे नहीं लगाओगे तो ये नहीं लगेंगे।
जैसे मैं इसे ले रही हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको इधर लगाऊँ तो ये नहीं अटैच होगा, और अगर मैं इसको इधर लगाऊँ तो भी ये नहीं अटैच होगा, बट अगर मैं इसे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लगाऊँ तो ही ये अटैच होंगे। हाँ गाइस, तो ये थे हमारे एयरपॉड्स, और देखते हैं अंदर क्या है। इसको मैं साइड में रख रही हूँ, और अभी ये क्या है, पुल करने के लिए ऐसा दिखा रहा है साइन पुल अप। सो इसे पुल करके देखते हैं। ओ ये क्या है, सो ये देखते हैं, इसमें कुछ तो ऐसी साइन बनी हुई है कि एयरपॉड्स के जो हमने अनबॉक्स किए थे ये उसके साथ जो मिल रहे थे ये भी कुछ है। तो चलो इसको देखते हैं। सो ये इसका बहुत अलग और बहुत यूनिक वे है इसे खोलने का। सो मैं इसे ऐसे पुल करूँगी और इसमें से ये ऐसे निकलेगा, और ये देखो कितने अच्छे से असेंबल्ड हैं इसके ये बड्स हैं। सो जैसे हमें मिले थे वो फोर, वो ट्रांसपेरेंट थे और ये वाइट कलर के हैं। सो ये हमें ट्रांसपेरेंट दो छोटे दो बड़े साइज़ के, एंड ये भी दो छोटे दो बड़े साइज़ के, ये वाइट कलर के हैं। सो ये यहाँ पे देखो इधर लिखा है S, मतलब ये दोनों स्मॉल साइज़ के हैं, एंड ये इधर लिखा है L, मतलब ये दोनों लार्ज साइज़ के हैं। सो अगर मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर स्मॉल बेबीज़ को लगाना है सो आप ये स्मॉल वाले बड्स यूज़ करो, और अगर जिनके कान में नहीं फिट हो रहा है वो मीडियम वाले भी, सो आप ये बड़े वाले साइज़ के यूज़ कर सकते हो। सो ये सारे एयरपॉड्स के हैं। सो वाओ दैट्स अमेजिंग। और इसको बंद करने का अलग तरीका है, इसको ऐसे रखो और इसके अंदर से इसे ऐसे इंसर्ट कर दो, हो गया बंद। सो ये थे गाइज हमारे एयरपॉड्स। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो, जल्दी से ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल क्रिएटिव JSP को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।